हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आज के आप लोगों के पर्सन की तरफ से, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं जो आपको वो कहना चाहते हैं, आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है जो उन्होंने आपको कभी नहीं कहा। ओके सो गाइज, रीडिंग जो है सबके लिए ओपन है बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड जनरल प्रडिक्शन। सो इट मे रेजोनेट और नॉट, सो टेक वट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो जितना करेगा उतना रखना ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पे, आप लोगों ने कुछ भी फिट नहीं करना। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो, स्पेशली आपका नो कॉन्टैक्ट है अपने पर्सन से, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। वैसे ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है वो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। सो रीडिंग गाइस स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन पे अपना फोकस रखिए और पॉजिटिव रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइस। सो डिवाइन गाइड करें जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनको क्या कहना चाहते हैं, उनके पार्टनर्स की तरफ से उनके लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हायर सेल्फ उनको क्या कहना चाहती है। आई वांट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस। सो ये आपके लिए और अपने लिए, दोनों के लिए ये पर्सन जो है अबंडेंस चाहता है कि लाइफ में किसी चीज़ की भी कमी ना आए, जो भी चीज़ हो वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस के साथ आए। प्लीज़ लव मी। सो डेफिनेटली आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ लव मी, आप उनसे प्यार करो। मे बी इनको लग रहा है कि आप लोग उनसे प्यार नहीं करते। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक गाइस बिल्कुल भी नहीं है रीडिंग। इट वॉज जस्ट एन अट्रैक्शन वन आई मेट यू बट नाउ आवर लव इज़ गोइंग टू कीप अस टूगेदर फॉर एवर। सो जब आप लोग इस पर्सन से मिले थे तो इसको लग रहा था कि जैसे ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। ओके बट नाउ उसको फील हो रहा है कि आप लोगों का जो लव है वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का नाम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लव की एनर्जी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लव है आपके आपके लिए इस पर्सन के पास। डेफिनेटली डबल कन्फर्मेशन है, यहाँ से भी लव है एंड यहाँ से भी लव है। बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ये पर्सन आपको लेके है। सो आप लोगों को भी पॉजिटिव ही रहना है। ओके आई एम वरीड यू लूजिंग इंटरेस्ट इन मी। सो आई थिंक आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है। ठीक है, like, अगर आप लोग इस पर्सन को पहले चेस करते थे तो अब आप लोगों ने इस पर्सन को चेस करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट जो है छोड़ दिया है लेना। ठीक है, लूजिंग इंटरेस्ट कर दिया है आप लोगों ने इस पर्सन में लेना, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, वरी है ये पर्सन बिकॉज आप लोग इसको छोड़ के मूव ऑन कर गए हो। इसलिए आई एम गोइंग थ्रू माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो ये पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेसन लर्न करने हैं। कैन वी स्टार्ट अगेन। सो डेफिनेटली ये रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है आपके साथ के आपके पार्टनर्स जो हैं, जिसके लिए भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, चाहे आपका फ्रेंड है या क्रश है या रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। सो दोबारा से ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर्स, बिकॉज अब ये आपकी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सेक्चुअल अट्रैक्शन आई कांट होल्ड बैक एनी मोर लेट्स प्ले। सो आई थिंक ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, दैट्स वाई आपके साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन फील कर रहा है और अपने आप को बिल्कुल भी ये पर्सन रोक नहीं पा रहा। ठीक है, होल्ड बैक इस पर्सन से और ज़्यादा नहीं हो पा रहा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ अट्रैक्शन फील कर रहा है। डेफिनेटली आई एम बर्डन्ड विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड माई लाइफ पर्पस। सो इस पर्सन पे अभी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कुछ चीज़ों का, दैट्स वाई इस पे पर्सन पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है ये पर्सन, आई थिंक मुझे फील हो रहा है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, लाइक ये पर्सन मैरिड नहीं है, तो डेफिनेटली फैमिली की तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और कुछ इस पर्सन का इस टाइम लाइफ पर्पज़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ये पर्सन अभी
फेस कर रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी बर्डन है और आप लोगों की तरफ इसलिए ये पर्सन आ नहीं पा रहा. ओके, सो आपको वेट करना पड़ सकता है. आई वॉन्ट टू कॉल यू बट यू रिजेक्टेड मी. डेफिनेटली ये पर्सन आपको कॉल करना चाहता है. आप लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोगों ने इस पर्सन से लाइक रनर चेजर की एनर्जी ख़त्म कर दी है. आप लोग इस पर्सन को चेज़ कर रहे थे तो अब आप लोगों ने स्टॉप कर दिया है. देन डेफिनेटली इस पर्सन को आपने रिजेक्ट किया है. हो सकता है आप लोगों ने मूव ऑन किया है इस रिलेशनशिप से, जिसकी वजह से ये पर्सन चाह रहा है आप लोगों को कॉल तो करना चाहता है, बट इसको पता है कि आप लोग आप इस पर्सन से बात नहीं करोगे और इसकी कॉल जो है रिजेक्ट कर दोगे. बिकॉज आपने, हो सकता है, इस पर्सन को भी पास्ट में रिजेक्ट किया है. ठीक है, इसकी प्लेइंग गेम्स की वजह से एंड इसकी शिट्स की वजह से, जो इसने काफ़ी मैसअप किया है चीज़ों को, इस वजह से आप लोगों ने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है. और अब ये पर्सन आप लोगों को अपनी लाइफ में वापस जा रहा है बिकॉज लव फील कर रहा है. अब शायद इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आई है. एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है, यू ब्रोक माई हार्ट टू. सो इस पर्सन का मैसेज है, आपने भी इस पर्सन का दिल तोड़ा है. अगर आपको लगता है कि आपका इस पर्सन ने दिल तोड़ा है तो डेफिनेटली वो पर्सन की तरफ से मैसेज है कि आपने भी इस पर्सन का दिल डेफिनेटली तोड़ा है. ओके, सो ये आप लोगों के मैसेजेस थे. सो गाइस, कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care. Bye.